हमारे एक्सपर्ट है मिस्टर अभिषेक यादव और ये बताएंगे अब इसके आगे। हेलो गाइस, तो ये है डेगनडॉर्फ का इंडियन स्टोर। यहाँ पे मतलब इंडियन स्टोर भी है, पाकिस्तानी स्टोर भी है और यहाँ पे अफ्रीकानिशा स्टोर भी है। तो मतलब सब चीज़ मोस्टली सब मिल जाता है, मतलब आपको चावल, आटा, मसाले सब मिल जाएंगे। तो अभी अंदर जाके दिखाते हैं क्या क्या अवेलेबल है। ये काउंटर है, यहाँ पे मस्टर्ड ऑयल कितने यूरो का था? 4 यूरो का मस्टर्ड ऑयल और बाकी वाटिका हेयर ऑयल और बाकी सब पियर सोप वगैरह भी है। और यहाँ पे सिम भी मिलता है, ऐसे लिबारा का, लाइका का, ये सब का सिम अवेलेबल है यहाँ पे। और ये कुछ स्वीट्स हैं, टुर्किश स्वीट्स, जलेबी। ये साबूदाना मेरा फ्रेंड ले रहा है साबूदाना, तो उसके लिए निकाल के रखे हम लोग। और इधर ये चीज़ नॉर्मल सुपरमार्केट में नहीं मिलता, यहाँ पे जो भी रखे हुए हैं। तो ये टमाटर मिल जाता है, भिंडी नहीं मिलता है, और क्या नहीं मिलता है, अरे वो है नहीं है यहाँ पे आज, मिर्ची वगैरह। और ये सब मसाले MDH के। चाट मसाला, मीट वेजिटेबल मसाला, MDS शान और RTRS, ये तीन चीज़ का मिलता है। ये फ्रेश अदरक, भिंडी बहुत मुश्किल से मिलता है, कभी कभी आता है कभी नहीं आता है। और ये धनिया है, हेलो। और ये कुछ कुछ ऐसी चीज़ें, ये सब तो नॉर्मल मिलता है, मतलब जो नहीं मिलता, जो रेयर है वो दिखाता हूँ। ये हल्दी, मिर्ची, ये सब ऐसे पैकेट में भी मिलता है। और ये है मेन, ये हमारे एक्सपर्ट है मिस्टर अभिषेक यादव और ये बताएंगे अब इसके आगे का, शेफ है ये। तो ये पूरे मसाले का लाइन है। यहाँ पे TRS का मसाला मिलता है, ब्लैक सॉल्ट है, पिंक सॉल्ट, पिंक सॉल्ट और सेसमी सीड्स, ब्लैक सॉल्ट पेपर पाउडर और स्टार, ये जो फूल बोलता है अपन, दग्गड़ फूल, वो है ये, सिट्रिक एसिड और धनिया पाउडर, हरी धनिया, अजवाइन और जावित्री भी है, होल जीरा, एवरीथिंग। ये टुकमरिया टुकमरिया, ब्लैक उसमें से कह सकते हैं। बेसिकली सारे मसाले लगभग यहाँ सब मिल जाते हैं, कोई इतना दिक्कत नहीं है। अचार भी मिल जाता है अलग अलग टाइप का, जैसे ये पिकल है, गार्लिक इन ऑयल पिकल, मैंगो पिकल, लेमन, लाइम पिकल, गार्लिक पिकल, मैंगो पिकल, कैरेट पिकल, लेमन पिकल, मतलब बस ताज़ा। और ये प्रिया डिफरेंट ब्रांड्स, ये प्रिया का अच्छा मिलता है यहाँ पे। और थोड़ा सा महंगा भी है, मतलब जैसे 3-2.5 यूरो 3 यूरो, जैसे बॉनविटा है 9 यूरो का, मतलब 850 रुपये का 1 किलो बॉनविटा। या ये जिंजर गार्लिक पेस्ट, मेरे को पता नहीं था यहाँ मिलता है, तो मैं इंडिया से लेके आया था, तो आप लोग गलती मत करना, मिल जाता आसानी से। और गुलाब जामुन, हाँ गुलाब जामुन भी मिलता है, 2 यूरो का आता है ये, बहुत अच्छा है। और रसगुल्ला भी शायद तक 2 यूरो का है ना, या चिक पीस और मुर्रा, ममरा। हाँ ये पूरा अरेबिक आइटम है, इधर ये पूरा इंडियन आइटम है, मसाले से लेके सब चीज़, और ये पूरा अरेबिक आइटम है। यहाँ पे ये ऑयल वगैरह है, अलग अलग टाइप के इनके पिकल आते हैं, ऐसे सादे बिना मसाले के। यही है सब। हाँ ये रेडी टू ईट भी है, पनीर टोफू मखनी, भिंडी मसाला का रेडी ईट, मटर पनीर, दही दहली दाल मखनी, पालक पनीर टोफू, और ये भी मिलता है यहाँ मैगी। और मैगी का छोटा वाला पैकेट भी मिलता है, पता नहीं। हाँ ये 1 यूरो के 3 मिलते हैं और 50 सेंट्स का एक ऑफर मिलता है यहाँ भी। हाँ ये पीनट्स भी है, शिंग दाना या तो जो भी बोल लो, बिस्किट, आमचूर पाउडर भी है, गुड्डे बिस्किट भी मिलता है यहाँ पे, ये गुड्डे बिस्किट है। और ये लेन भी पूरा इंडियन टाइप का है, समझ लो पूरा उड़द दाल,
छोले, मूंग दाल, चना, लार्ज रोस्टेड चना, चखने वाला, और ये क्या है यार, कोकोनट या ग्रेटेड ग्रेटेड कोकोनट, और ये दाल, ये बेसन, और टाटा अग्नि टी। ऐसा टी मिलता नहीं है यहाँ पे, मतलब नॉर्मल ना टी बैग्स वाले मिलते तो बहुत बेकार लगता है वो, ये बहुत मुश्किल। टाटा के सारे प्रोडक्ट्स हैं यहाँ, टाटा के टी गोल्ड भी है, और ये तूर दाल छोटे पैकेट, मतलब ये बड़े पैकेट हो गए और ये छोटे छोटे पैकेट 1 किलो वाले। समोसे भी मिलते हैं, हाँ समोसा भी मिलता है मेरे को आज पता चला। मेढ़ी दाल भी मिलते हैं, वड़ा 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 फॉर दही वड़ा, या अच्छा दही कूट डालो और खा लो। एंड तंदूरी रोटी मिलती है, नान, तंदूरी नान वगैरह भी है अवेलेबल, मतलब बेसिकली सब मिल जाता है, बस जेब थोड़ी मोटी होनी चाहिए सब आप खा सकते हो। पोहा भी है, हाँ। पोहा ये अभी अभी आया, पहले इतना सब नहीं था पोहा वगैरह, अभी अभी हम लोग सब बोल के मंगाए इसको कि इंडियन आइटम लेके आए। टाटा टी प्रीमियम भी है, वाघ बकरी की भी चाय मिलती है यहाँ पे, रस्क रस्क टोस्ट यहाँ पे बहुत मुश्किल से मिलता है, मतलब यहाँ नॉर्मल। लिज्जत पापड़ भी है, पापड़ पंजाबी, लिज्जत पापड़ एंड या ये सोयाबीन, सोया चक्स, केवड़ा वाटर, रोज वाटर बिरयानी के लिए लेना है क्या, बिरयानी बनाएंगे, ये उड़द, सारी किस्म की दालें मिलेंगी या दालें सब मिल जाती, कोई दिक्कत नहीं आता उतना। ये चना दाल भी है, ये चना दाल है, येलो स्प्लिट पीस है, चना दाल छोटा वाला है ना, और ये किडनी बीन्स भी मिल जाता है। किडनी बीन्स का वैसे यहाँ पे ना नॉर्मल कैन भी मिलता है 50 सेंट्स का, तो वो ज़्यादा बेटर रहता है, आपको उबालने की ज़रूरत नहीं है। और ये ब्लैक चीक, ब्लैक आइड बीन्स जो भी है, मतलब बरबट्टी बीजा कुल मिला के, रागी फ्लोर भी है, रागी फ्लोर या, और मीट आइटम भी मिलता है यहाँ पे हलाल वाला, क्योंकि बेसिकली यहाँ पे मतलब जर्मनी में हलाल उतना मिलता नहीं है, तो यहाँ पे हलाल वाले मिलते हैं सब, जो भी मिक्स है, फ्रोजन करेला, भिंडी या, हाँ करेला अगर मिल लेना है तो ये फ्रोजन मिलते हैं, ये भिंडी है, ये करेला है फ्रोजन वाला, करेला कट होके मतलब पूरा इसको खाली धो के यूज कर लो, ऐसा भिंडी हो गया, एंड ये डिफरेंट अरबिक मसाले हैं सारे नॉर्मल। ये अरबिक मसाला भारत भारत के नाम, भारत के नाम से, लेकिन हाँ उधर से बन के आता है, यस तो रख दो, बाद में कभी करेला खाएंगे। हाँ ये गोपाल नमकीन मिलती है यहाँ पे, गोपाल की मिलती है, हल्दीराम की भी आती है, लेकिन म्यूनिक में देखा था यहाँ नहीं है हल्दीराम का। सेव ममरा, खट्टा मीठा सेव ममरा, गार्लिक सेव ममरा, इस तरह से जो भी, और ये कुछ बिस्किट है, डाइजेस्टिव बिस्किट, और ये वो है ना, मतलब रेडी टू ईट वाला ना, नहीं 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 मसाले हैं, मसाले हैं, मसाले हैं नेशनल के, मसाले हैं सभी मसाले हैं, आलू पालक बनाना वहाँ फिश फ्राई, फिश मसाला, कोफ्ता, कीमा, चिकन बिरयानी, बिहारी कबाब, ये गीट का ये भी है, सांबर, सांबर हाँ मसाला, ओके। गुलाब जामुन का गीट का नहीं आया ना, नहीं उसका नहीं आया, और ये कुछ कुछ मसाले हैं, और ये मीट, मतलब इसमें वो सब कहाँ है, रिंडफ्लाइश मतलब अपना काओ वगैरह हो गया, और चिकन भी मिलता है यहाँ पे, क्या कुछ तो लिखा है 1 किलो 1.5 यूरो, पता नहीं क्या है ये। हाँ चावल यहाँ पे ना बासमती राइस ही मिलता है मोस्टली, तो ये महमूद बासमती राइस सबसे अच्छा है, 2.5 यूरो का आता है ये 1 किलो। तो अब मेरे को पूछना मत भाई, आप कैलकुलेट कर लेना यूरो कितना होता है, मैं एक एक तुरंत कैलकुलेट कर, हाँ गोलगप्पा तलो और खा लो, सेवैया, और ये ब्रेक्सल्स है ना, तो ये मेन मतलब राइस हो गया, दाल हो गया, मतलब बेसिक नीड्स आपके पूरी हो जाएंगे यहाँ, कोई दिक्कत नहीं होता। डेट्स भी मिलते हैं,
इसका मतलब यहाँ जो मिलता है नॉर्मली नॉर्मल सुपर मार्केट्स में नहीं मिलता है, वो सब चीज़ यहाँ मिलता है। ये अलग से लोग स्टोर खोल कर रखे, अरेबिक लोग या तो टर्किश लोग खोलते हैं ये, ऐसा है। ये शक्कर वगैरह भी मिलता है यहाँ पे, ऐसा रिफाइंड शुगर मिलता है ऐसा छोटा छोटा, मतलब एकदम घुल जाता है फटाफट डालो तो। और ये नमक, और कुछ छोड़े हैं क्या अपन? हाँ घी भी मिलता है यहाँ, घी शायद तक यहाँ महंगा मिलता है ना, म्यूनिक से लेकर 10 यूरो था। ये 12 यूरो का होगा मेरे ख्याल से, म्यूनिक में थोड़ा सस्ता है यहाँ से, लेकिन जो भी है ठीक है। म्यूनिक जाने का ही 25 यूरो किराया, तू सच्चे यहीं से खरीद लो। तो बाकी तो सब हो गया। हाँ यहाँ पे ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ रोटी, ये मतलब ये इसमें ज़्यादा केमिकल कुछ नहीं है इधर उधर, खाली जो नॉर्मल अपन ये देखो इंग्रेडिएंट्स में व्हीट फ्लोर वाटर शुगर, और एक जो चीज़ अपन नॉर्मल नहीं खाते इंडिया वो है ईस्ट। तो बस ये ईस्ट की वजह से मतलब, लेकिन इसको खाते हैं हम लोग। रोटी बनाने का मन नहीं, एक लेके जाओ खा लो, 60 सेंट्स का आता है ये एक, 6 रोटी होती है ना, एक दो टाइप का, ये ज़्यादा ब्राउन है ये लाइट ब्राउन है, और एक दुरुम होता है टॉटीला बोलो इसको, ऐसा बड़ा सा आता है 30 सेंटीमीटर का ये बस। तो कभी आओगे तो ये भाई साहब मिलेंगे आपको, ओनर है यहाँ के। ये एक ऐसा शॉप छोटा सा, और भी शॉप्स हैं, कभी मौका मिलेगा तो वहाँ भी जाऊँगा। धनिया भी मिलता है यहाँ, हाँ धनिया मिंट भी मिलता है, धनिया भी मिलता है, सब मिलता है। तो बेसिकली आप सब ले सकते हो। ये कुछ कुछ है, ये लाल प्याज बहुत मुश्किल से मिलता है, मिलता है मिल जाता है लेकिन बहुत महंगा रहता है यहाँ पे, नॉर्मल प्याज मिलता है। अरे यहाँ पे उस दिन गुलाब जामुन मिक्स भी देखे थे ना अपन, हाँ खत्म हो गया लग रहा है, मैं खरीद लिया होगा। हाँ कॉर्नफ्लोर भी है, कस्टर्ड, राजमा मसाला सांभर, ये तो दिखा चुका, बादाम खीर। तो या स्टे ट्यून गाइस।